हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है यार हमारा 74 डेज जंगो प्लेस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का 73 तक जो है वो कंप्लीट हम लोग ने कर दिया था। 73 में हम लोग ने देखा था जो हमारा जावा जंगो के अंदर बिल्डिंग नोटिफिकेशन सिस्टम होता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक ही वीडियो में। तो ये जो हमारा जंगो का कोर्स है यार उसको आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना आपको हर एक चीज़ समझ आए अच्छे से। तो आज हमारा बेसिकली 74 डे है और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपको थोड़ा सा मतलब आना चाहिए। जैसे मैं कोई भी जंगो का प्रोजेक्ट दिखाऊं तो कोई भी जंगो का प्रोजेक्ट में क्या जंगो यूज़ करता है, सिक्वालिटी यूज़ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्वालिटी यूज़ करता है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था डीजे ऑथ नाम का जिसमें भी सिक्वालिटी यूज़ करता है। डीजे ऑथेंटिकेशन उसमें भी ये सिक्वालाइट डेटाबेस यूज़ करता है। तो ये सिक्वालाइट डेटाबेस क्या है आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और लिखूंगा सर्च करूंगा पाइथन सिक्वालाइट। SQL3 भी लग देना है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है मैं सिंपली वहां पे जाऊंगा। तो ये है बेसिकली SQL3 का डॉक्यूमेंटेशन, आप इसको पढ़ भी सकते हो और मैं करता हूँ इसको शुरू। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक बेसिकली फोल्डर बनाऊंगा या फिर मैं एक काम करूँगा यहाँ पे मैं इसको करूँगा सो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ कोड, या मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सिक्वालाइट एंड इसके अंदर मैं वीएस कोड को करूंगा ओपन। तो यहाँ पे मैं जाके करूंगा सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड को करूंगा ओपन और यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले तो एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम बेसिकली एक पाइथन फाइल ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन डॉट पाई और मैन डॉट पाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले सिक्वालाइट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिक्वालाइट जो होता है बिल्टिन होता है जेंगो के साथ, तो मतलब पाइथन के साथ। तो आपको क्या करना है उसको कोई पिप से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसको सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट सिक्वालाइट डेटाबेस और मैं पे क्या करूँगा इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट सिक्वालाइट 3। देखो मेरे को यहाँ पे बेसिकली MAWation जो है मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं सिंपली इम्पोर्ट SQLite3 करूँगा। और SQLite3 को इम्पोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल करके सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। कंट्रोल करके मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बेसिकली यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होगा, अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे आपको SQLite के बारे में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको SQLite को इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट SQLite लिखो, फिर अगर आपको कोई डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो CX इज इक्वल टू कनेक्शन इज इक्वल टू SQLite3 डॉट कनेक्ट और डेटाबेस का नाम दे सकते हो। फिर अगर वही SQLite को आपको अपने मेमोरी से कनेक्ट करना है या अपने रैम से बेसिकली कनेक्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, कॉलन मेमोरी कॉलन ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर कनेक्शन के बाद आपको कनेक्शन से ही एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर ये दिखाया कि कैसे आप बेसिकली एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। फिर आप ऐसे देख सकते हो कि कैसे आप इसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे उसको कैसे गेट कर सकते हो एंड गेट करने के बाद वहाँ पे कैसे फॉलो वगैरह लगा के कमिट करके एंड क्लोज कर सकते हो। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत बहुत ही तगड़ा है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ना ताकि आपको ये चीज़ समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे पहले इसने क्या करा है कि इम्पोर्ट करा है SQLite3 एंड इसके बाद एक कनेक्शन करा है डेटाबेस के साथ। तो आप बोलोगे यार कि मेरे पास तो डेटाबेस ही नहीं है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, आपको जो डेटाबेस का नाम रखना है सिंपल लिखना, आप लिख रहा है SQLite3 डॉट कनेक्ट। आपको यहाँ पे फंक्शन देखने में मिल जाएगा। आप स्ट्रिंग में जो डेटाबेस का नाम रखना चाहते हो, जैसे मैं रखना चाहता हूँ डेटा डॉट डीबी के नाम से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा इस फाइल को सिंपली रन करूँगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देखना आपको डेटा डॉट डीबी ओपन हो जाए और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस फोल्डर पे बेसिकली मेरा जो यहाँ पे फोल्डर है मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा तो यहाँ पे डेटा डॉट डीबी एंड मेन डॉट पाई यहाँ पे मेरा आ चुका है। मैं क्या करूँगा इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसमें ओपन विथ का ऑप्शन आना चाहिए था, ओपन विथ मैं देखूंगा ओपन विथ अगर मैं यहाँ से ही ओके। तो मैं काम करूँगा इसको मैं ओपन करूँगा अपना डीबी ब्राउजर में। तो मैंने आपको यार अपने कौन से वीडियो में मैं अगर 100 डेज में जाऊँ और मैंने यहाँ पे आपको बताया था डीबी ब्राउजर के बारे में, तो जो हमारा 60 डे है जेंगो में उस वहाँ पे मैंने आपको डीबी ब्राउजर को इंस्टॉल और कैसे उस पर काम करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिंपली डीबी ब्राउजर को करूँगा ओपन एंड यहाँ पे ओपन डेटाबेस करके मैं जो मेरा ये वाला फाइल है तो मैं डेस्कटॉप के अंदर
SQLite के अंदर मैं डेटा डॉट डीबी में सिंकलो इसको ओपन करूंगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे को मिलेगा टेबल जीरो, इंडेक्सेस जीरो, मतलब सब कुछ भी जीरो जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तो कुछ बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कैशे क्रिएट करना पड़ेगा। कैशे क्यों, देखो मैंने अभी कनेक्शन करा है, मैंने कनेक्शन करा है, बट मेरे को ये अलाउ मिलना चाहिए यार कि मैं उस कनेक्शन वो डेटाबेस के साथ कुछ कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको एक कैशे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन दो पाइप आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन विथ सिक्वालाइट डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है और ये मैं लिखूंगा क्रिएटिंग अ कर्सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कर्सर क्रिएट करूंगा। और आप जब इसको कनेक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक डेटाबेस के साथ बेसिकली ये कर लेना। तो मैं लिखूंगा कनेक्शन इज इक्वल टू सिक्वालाइट डॉट कर्सर, क्योंकि उस कनेक्शन का मदद करके आपको कर्सर क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट, कनेक्शन डॉट, और यहाँ पे आपको कर्सर का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको आपको कर्सर दिख जाएगा, आप इसको यूज कर सकते। तो जब आप एक कर्सर क्रिएट कर सकते कर लिए हो, तो कर्सर क्रिएट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली अब आप कोई भी ऑपरेशन इस डेटाबेस के साथ ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कर्सर को ऑब्जेक्ट करने के बाद आपको कमिट करना पड़ता है, कनेक्शन को कमिट, एंड उसके साथ कनेक्शन को भी आपको बंद भी करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिख लूंगा कमिटिंग कमिटिंग द चेंजेस। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अगर मान लो यार आप डेटाबेस का कर्सर बनाया, तो कर्सर बनाया हो तो मतलब आप कोई ना कोई चेंजेस करोगे। जब कोई चेंजेस करोगे तो आप उसको कमिट भी कर लेना। तो मैं लिखूंगा कनेक्शन डॉट कमिट और मैं लिखूंगा क्लोजिंग, क्लोज द डेटाबेस। अब जब आप कनेक्शन को करे हो डेटाबेस के साथ, जब कनेक्शन बनाए हो तो आपको उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कनेक्शन डॉट क्लोज। और ये सब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं भाई, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अगर आप SQLite के ये डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। आपको मैं वैसे जैसे करा रहा हूँ आप सिंपली वैसे करते जाओ। और आप कर्सर और कमिट के बीच में आपको अभी यहाँ पे कोड लिखना है, आपको जो भी करना है। और कोई भी कमांड को आपको एग्जीक्यूट कराना होता है ना, तो आपको करना पड़ेगा यूज कर्सर डॉट, इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है या मेथड बोल सकते हो, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको सिंगल लाइन, अगर आपका स्टेटमेंट सिंगल लाइन है तो आप बेसिकली सिंगल कोट डबल कोट का यूज कर सकते हो। अगर मल्टी लाइन है तो आप लोग डबल कोट ट्रिपल कोट का यूज करना। ठीक है, ट्रिपल कोट के अंदर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा टेबल को क्रिएट करने का जो कमांड होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी सिक्वल आता है तो उसका कमांड होता है क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम अगर मैं पर्सन रखूँ और इसको मैं स्मॉल कैप्स में लिखूंगा, मैं लिखूंगा पर्सन, तो मैं सबसे पहले इसमें नेम दूंगा। नेम को मैं जो है वो कर दूंगा वैर कैर ऑफ 45। ठीक है, और नेम के बाद मुझे एज देना है, इंच में कर दूंगा इसको। और एज को मैं करूंगा स्मॉल, मैं लिखूंगा एज और मैं इंच कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पर्शियन का पर्शियन नाम का टेबल को क्रिएट करा और यहाँ पे मैंने उसको बेसिकली ये कर दिया है। मैं क्या करूँगा, इसको टैब से ऐसे कर दूंगा और इसमें भी कुछ टैब वगैरह दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करा है जिसमें कि मैंने दो फील्ड दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रन करूंगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये तो रन हो गया है। और मैं अगर यहाँ पे डीबी ब्राउजर में फिर से ये डेटाबेस को ओपन करूंगा तो देख सकते हो मेरा एक टेबल, पहले 0 0 आ रहा था बट अभी वो बोला एक टेबल है जिसमें एक पर्सन है, जिसमें नेम वेर कर है एंड एज हमारा इंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक टेबल क्या है, बन चुका है, मेरा यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा ना, तो यहाँ पे देखना आएगा एक एरर, वो बोल रहा है कि SQLite डॉट ऑपरेशन एरर टेबल पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मतलब टेबल का पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप दोबारा एक टेबल नहीं बना सकते हो। मतलब टेबल बना सकते हो बट पर्सन नाम का टेबल नहीं बना सकते। अगर मैं दूसरा टेबल बनाऊँ जैसे कि एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय नाम से, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एज के बाद मैं
यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय, इसको आईडी, और इसको मैं इंट कर दूंगा, और मैं अब इसको रन करूँ तो इस बार कोई एरर नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे जाके फिर से अपना डेटाबेस को ओपन करूँगा तो देख सकते हो बोला है टू टेबल, पहला एम्प्लॉय और दूसरा पोजिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दो एम्प्लॉय बेसिकली बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये बात कर लिया कि कैसे मैं बेसिकली एक एक टेबल टेबल को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करके आप इसको वगैरह भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको करूँगा कमेंट आउट, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो मुझे आएगा एरर। और यहाँ पे मैं करूँगा बंद इसको, और मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इंसर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैंने एग्जीक्यूट फंक्शन के बारे में आपको बताया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंसर्ट इंटू, कहाँ पे मैं अगर पोजिशन मैं इंसर्ट करूँ और यहाँ पे वैल्यूज दे दूँ, नेम में अगर मैं दे दूँ, नेम में मैं अपना नाम दे दूँगा, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट में। फिर मैं एन एज में दे दूँ 15, एंड अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रन करूँगा। एंड इसको मैंने कर दिया है रन, यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं फिर से ओपन करूँगा, ओपन डेटाबेस एंड डेटा डॉट डीबी। तो यहाँ पे मैं पोजिशन पे क्या करूँगा, ब्राउज डेटाबेस करूँगा, पोजिशन पे राइट क्लिक करूंगा मैं, और आप ब्राउज टेबल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3115 ये आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर आइटम इन, फॉर आइटम इन मैं यूज कर सकता हूँ अपना, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मैं वाइल लूप लगा सकता हूँ, वाइल आई इज ग्रेटर, जब तक आई छोटा है 10 से, क्योंकि मैं 10 इंसर्ट कर रह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको टैब, यानी यहाँ पे लिखूंगा आई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे बेसिकली लूप का यूज कर रहा हूँ, और ये सब हम लोगों ने यार पहले बात कर चुका है अपने, ये सब मैंने हम लोगों ने पाइथन के सीरीज में देख लिया था। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट मेनी पोजीशन वैल्यूज, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू इनपुट, और मैं लिख दूंगा इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। मैं यहाँ से नेम ले लूंगा, और फिर मैं लिख दूंगा एज इज इक्वल टू, और मैं सबसे पहले इसको इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट, इंटर योर एज, एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का, एफ स्ट्रिंग के यूज करने के साथ मैं वैल्यूज में ये हटाऊंगा और ये भी हटाऊंगा, और मैं लिख सकता हूँ एफ एफ स्ट्रिंग में सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनपुट नेम, एंड 15 की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ नेम को एज। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा, और यहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंटेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा आई प्लस प्लस, यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल टू, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ये चल जाएगा, और ये कंडीशन भी हम लोग का एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा पाइथन पाइथन मेन डॉट पाई, मैं फिर से लिखूंगा पाइथन मेन डॉट पाई, मैं सिंपली एंटर करूंगा, तो ये मेरे से एज पूछ रहा है तो मैं एज दे दूंगा, और मैं फिर इसके बाद मैं अपना एज दे दूंगा। तो ये बोल रहा है कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ये वैल्यू, तो नो सच कॉलम सैम, ओके ओके ओके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मेरे को प्लेस होल्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना एक क्वेश्चन मार्क साइन का,
आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन मार्क साइन का यूज़ करना और इसको एक लिस्ट में कर लेना, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, मैं पे लिखूँगा एल एस इज इक्वल टू एक लिस्ट होगा और जिसमें कि आप लोग टपल दे देना। लिस्ट में क्या होगा, मेरा एक टपल होगा और उसको क्या करना है कि मेरे को उसमें दे देना है नेम कोला एज, और इसको आप लोग बाहर कर देना। मैं नीचे लेके आऊँगा और इसको मैं लूप से बाहर कर दूँगा, तो ये मेरा एक लिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट बनता जाएगा और मैं यहाँ पे भी एक लिस्ट बनाऊँगा, एल के नाम से बनाऊंगा और एल इज इक्वल टू कर दूंगा एक खाली लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं सिर्फ एक टपल बनाऊंगा, बोलूँगा एल डॉट अपेंड किसको, एल एस को, एल एस। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनेगा जिसमें कि 10 नेम और एज आएगा, उसका एक टपल आएगा और मैं फिर उसको इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा करके और मैं लिख दूँगा एल, ठीक है। तो मैं इसको फिर से करूँगा रन, तो इस बार मेरा कोड जो वो चल जाना चाहिए। नेम मैं दूँगा अपना नाम, एज मेरा 45 ऐसा समझ सकते हो, फिर से नेम पूछ रहा है, मैं नेम दे दूँगा फिर से, और मैं सिंपली यहाँ पे 10 नेम यहाँ पे दे देता हूँ। तब एक फिर से एरर आया, बेसिकली बोल रहा है कि SQL3 प्रोग्रामिंग एरर, इनकरेक्ट नंबर ऑफ बाइंडिंग सप्लाई द करेंट स्टेटमेंट यूज टू एंड देर वेर 10 सप्लाई। तो मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं देखूंगा प्लेस होल्डर के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 देना था मेरे को। तो ये कोड में बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करा गया है कि एग्जीक्यूट मेनी का यूज किया गया, एंड मेरे को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन का यूज करना था। एग्जीक्यूट के साथ एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन आता है, एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन का यूज करना था, और मैं यहाँ पे फिर से इस फाइल को करूंगा रन। तो एक छोटी छोटी गलती आप कर सकते हो यार, मेरे को फिर से रन करना पड़ेगा, मेरे को फिर से यहाँ पे 10 नाम देना पड़ेगा एंड एज विल बी 45। मैं ऐसे ही मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं। जल्दी यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं जब जाके डीबी ब्राउज जब ओपन करूंगा तो मैं लिखूंगा ओपन डेटाबेस एंड डेटा डॉट डीबी। तो यहाँ पे मेरे को ये करना पड़ेगा बंद, एंड मैं फिर से ओपन करूंगा अपना, हाँ बेसिकली मेरा जो यहाँ पे डीबी ब्राउजर, मैं फिर से करूंगा उसको ओपन एंड यहाँ पे ओपन डेटाबेस करके यहाँ पे मैं इसको करूंगा ओपन SQLite के अंदर डेटा डॉट जीबी, मैं इसको करूंगा ओपन और यहाँ पे मैं पोजिशन पे जाके करूंगा ब्राउज डीबी। तो अभी देख सकते हो मेरा जो 11 का डेटाबेस है, 11 11 डेटाबेस है जो यहाँ पे मैंने अभी इंसर्ट करा था, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक
है, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि प्लेस होल्डर कैसे यूज करना है। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन तब यूज होता है जब आपको एक से ज्यादा फंक्शंस को बेसिकली एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, मैं इसको करूंगा कमेंट आउट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग कैसे यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया, हम लोगों ने टेबल को बेसिकली गेट करना सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं। तो गेट करने का जो कमांड होता है वो ये होता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। तो ये आप लोग इस कमांड का यूज करके आप लोग डेटा को गेट करोगे। तो मैं क्या यहाँ पे कोड लिखूंगा, मैं लिखूंगा कर्सर, लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैं लिखूंगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा डेटा इज इक्वल टू, ऐसे करके डेटा इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन, है मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेजर। यहाँ पे देख सकते हो एक कर्सर ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास, क्या है कर्सर ऑब्जेक्ट आया है। तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग ला के इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करूँ, मैं देखूंगा कि क्या मेरा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर लिस्ट में टाइप कास्ट करके प्रिंट करूंगा तो क्या मेरे को बेसिकली अपना देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो आप, मेरे को देखने को मिल गया है। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसको आप लोग फेच ऑल वगैरह ऐसे करके भी आप देख सकते हो। तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर मैं इसको लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटा डॉट फेच ऑल, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सिंपली इसको अभी रन करूंगा। तो ये क्या करेगा कि मेरे को सारा का सारा जो भी डेटा है इसके अंदर वो ला के दे देगा, ठीक है। फेच मेनी भी होता है, या फेच वन में पहले बताऊंगा, फेच वन होता है। आप लोग ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपको एक टेबल फेच करके देगा। बट फेच मेनी जो होता है, फेच मेनी को अगर मैं अभी रन करूँ, फेच मेनी और मैं सिंपली अभी रन करूंगा, तो ये अभी मेरे को एक ला के दे रहा है। बट अभी मैं इसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, जैसे अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, मेरे को 4 ला के देगा, ठीक है। अब देखो जब इस पे जाके आप होवर करोगे तो बोला है कि डेफ एंच मैनी, एंड आप यहाँ पे साइज को बता सकते हो जो कि इंट होगा, ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं देते हो तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इसका 1 है। अगर मैं 4 को 20 कर दूँ, क्योंकि 20 मेरे पास है नहीं, मेरे पास 11 टेबल ही है, बट ये जो 11 है वो आपको उतना ना के दे देगा, ठीक है। तो ये फेच मैनी हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप लूपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 आइटम इन डेटा, डेटा डॉट फेच ऑल, ऐसा लिख दूँ, मतलब डेटा को फेच करो, फेच सारा डेटा फेच करो एंड आप लोग देखो कि उसमें डेटा कौन सा है। एंड डेटा के बाद आप लोग क्या करो, बेसिकली प्रिंट कराओ द नेम इज, तो मैं यहाँ पे एफ सिंग का यूज करूंगा, लिखूंगा द नेम इज, और यहाँ पे लिख दूंगा आइटम, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर टपल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द नेम इज एन ओके। तो मुझे इसके बाहर लिखना है, तो एन द एज इज, मैं लिख सकता हूँ आइटम कॉल्स 1, ठीक है। तो मैं जब इसको रन करूंगा, बेसिकली मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे आ जाओ द नेम इज 1 एंड द एज इज 45, द नेम इज, जब मैंने यहाँ पे नेम और एज दिया था तो मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सिक्वालाइट जो डेटाबेस होता है जो कि जंगो बाय डिफॉल्ट यूज करता है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसको इसको यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो सिक्वालाइट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे जाओ docs.python.org/3/library/sqlite3.html, इस पर आप लोग जाके सिक्वालाइट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा नेविगेशन भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लेना। बाकी ये जो हम लोग का 100-150 कोड है जिसमें हम लोग जेंगो को देख रहे हैं, तो ये भी हम लोग का बेसिकली कंप्लीशन पे आ गया है, 74 डेज जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।